कॉबलर मल्टी ब्रांड शोरूम, लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के फुटवेयर, यहाँ पर हर वैरायटी के मल्टी ब्रांड फुटवेयर आपको मिलेंगे। फुटवेयर के अलावा लेडीज हैंडबैग, वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज यहाँ पर उपलब्ध है। कॉबलर में लगी है महासेल, जहां आपको मिलेगी 50% तक की छूट। जल्दी कीजिए कॉबलर की 50% छूट की महासेल का फायदा उठाइए। कॉबलर शोरूम का पता स्क्रीन पर दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अधूरे स्पीड ब्रेकरों के कारण हो रही है दुर्घटनाएं, 2 दिन में 2 महिलाओं को ट्रक ने मारी टक्कर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दरअसल ये जो खबर हम आपको बता रहे, इसका एक हिस्सा हमने ऑन फील्ड जाकर के शूट किया था। मामला है पूरा वाई जंक्शन से लेकर शील फाटे तक की सड़क का। सड़क विस्तारीकरण में सड़क का हिस्सा बढ़ गया, विस्तार हो गया, रुंदीकरण हो गई सड़क की, मगर पुरानी सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं भारत गियर खरड़ी से लेकर के तो भोलेनाथ नगर, शिवली नगर, दोस्ती, उसके आगे के इलाकों में ग्रीन पार्क वगैरह, तो दोनों तरफ जो है ये स्पीड ब्रेकर अब रास्ता काफ़ी जगहों पर चौड़ा हो जाने की वजह से आधा हो गया है। तो ये खुला हुआ जो रास्ता होता है वहाँ से जाने के लिए 2 पहिया 3 पहिया या 4 पहिया ये हर तरह के वाहन चालक उसी तरफ दौड़ते हैं। स्पीड ब्रेकर तक आते आते सीधा बाएं या दाएं तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से रास्ता क्रॉस करने वाले बहुत सारे लोग, जो कि आप देख सकते हैं शिवली नगर है, भोलेनाथ नगर है, इसके सामने डावला गांव है, डावला गांव से आगे SNM स्कूल का जो पूरा परिसर है, तो यहाँ और उसके आगे दोस्ती कॉम्प्लेक्स पड़ता है। फिर तो ये पूरा जनसंख्या, भारी जनसंख्या वाला पूरा क्षेत्र बनता जा रहा है, और रास्ते पर जो है ये आधे स्पीड ब्रेकरों की वजह से इस आबादी के लोग रोज़ाना इसके शिकार हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं हुई हो। तो आपको बता दें कि गुरुवार को रात यहाँ एक दुर्घटना हुई, जिसमें रेहाना निसार शेख नाम की महिला, जो SNM स्कूल के आसपास के परिसर में रहती है, वो शिकार हुई, बिलाल अस्पताल में एडमिट है। उनके पति से हमारी बातचीत हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि ये खबर कवर करके हम निकले ही थे कि फौरन 1 घंटे के अंदर भोलेनाथ नगर के सामने एक माँ बेटे एक्टिवा पर सवार होकर के जा रहे थे। ये खारघर से आए थे, किसी रिश्तेदार की मैयत हुई थी कुछ दिन पहले, उनके घर पर आए थे। रश्मिनी अब्दुल लतीफ खान, ये इस महिला का नाम है, जिसे भारत गेयर के पास एक्टिवा पर अपने बेटे के साथ जाने के दौरान ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। सिर्फ रश्मिनी को ही टक्कर लगी और वो नीचे गिरी और उसके बाद ट्रक के नीचे आ गई। इस हादसे में रश्मिनी अब्दुल लतीफ खान की मौत हो गई, कालसेकर अस्पताल ले जाया गया था। ये एक बहुत बड़ा अब इशू बन चुका है, वाई जंक्शन से लेकर शील फाटा तक रोजाना होने वाली दुर्घटनाएं। MMRDA काम तो कर रही है, मगर यहाँ नियोजन सही नहीं है, प्लानिंग नहीं है, सिर्फ काम करना है। काम करने के दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए जो उपाय करना चाहिए, वो MMRDA द्वारा और ठाणे मनपा द्वारा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से सारी दुर्घटनाएं हो रही है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा शील फाटा तक के रोड पर दोस्ती कॉम्प्लेक्स से लग करके ये MMRDA का जो काम चल रहा है, रास्ता रुंदीकरण का, इस काम के दौरान हाईवे के या सड़क के पुराने जो स्पीड ब्रेकर थे, अब वो अधूरे हो गए हैं। कई जगहों पर ये समस्या है, जैसे अभी हम खड़े SNM स्कूल के सामने, शिवली नगर के नाके के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला ये हिस्सा है, तो यहाँ पर इससे आगे दोस्ती के पास, उससे भी आगे है और यहाँ से पीछे भी है। ऐसे कई जगह है स्पीड ब्रेकर जो है वो अधूरे होने की वजह से रोज़ाना दुर्घटनाएं होती है। हर दिन यहाँ से शिकायत के फ़ोन आते हैं इन स्पीड ब्रेकर की वजह से, आधे रास्ते से बड़ी तेज़ गति से वाहन जाते हैं और कोई ना कोई वाहन की चपेट में आता है। ऐसी ही कल एक दुर्घटना हुई है, हमारे साथ है निसार भाई की पत्नी, जो है कल दुर्घटना का शिकार हुई है। निसार भाई, क्या ये पूरी समस्या है, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है, कई फ़ोन आते हैं, क्या मामला है पूरा? यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से इतनी गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाता ड्राइवर, और कोई ना कोई एक्सीडेंट डेली हो जा रहा है। कल हमारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, उसका राइट लेग पूरा फ्रैक्चर है और ट्रक के नीचे आ गई थी। लोगों ने यहाँ पर
उसको ट्रक से हुई है, हाँ ट्रक से निकाला, नीचे अच्छा। से निकाला, अभी बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी उसका आज ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी सीरियस पॉजिशन है। ये अधूरे जो स्पीड ब्रेकर है, आधे में है आधे में नहीं है, इसी वजह से ये दुर्घटना हो रही है। हाँ जी, यहाँ पर हर जगह पे आधा स्पीड ब्रेकर है, जो नया रोड एक्सटेंड हुआ है हाँ। उसमें आधा ही स्पीड ब्रेकर बना हुआ है और आधा स्पीड ब्रेकर बनने की वजह से गाड़ियाँ कंट्रोल में नहीं होती हैं, काफ़ी स्पीड में होती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब खुली साइड से बहुत तेज़ी से जाती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आप दो मिनट रुक करके सूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ियों का क्या स्पीड है, जो स्पीड ब्रेकर के बाजू से निकलते सब गाड़ी वाले होते, जो अच्छा। सब स्पीड ब्रेकर के बाजू से निकलते, स्पीड ब्रेकर पर कोई यूज ही नहीं करता, स्पीड ब्रेकर वो बड़ी गाड़ी आ जाती है, नहीं सब गाड़ी स्पीड ब्रेकर यूज कोई नहीं करेगा, सब स्पीड ब्रेकर के बाजू से भागे निकलेंगे। अच्छा, एक एक बात बताइए, अभी तक पिछले महीने दो महीने तीन महीने में कितनी दुर्घटना हुई होगी? ऐसा तो डेली होता है, डेली डेली होता है, अभी कल हुआ, परसों हुआ, डेली होता है, अभी गाड़ियाँ लगी रहा स्पीड ब्रेकर के पास, फिर भी नहीं स्लो करते गाड़ी वाले, इसको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, इसके लिए रुकती ही नहीं गाड़ी। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये स्कूल है, ये स्कूल है SNM स्कूल, इसके वजह से भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर कंपलसरी चाहिए चाहिए भाई, ये जो अधूरा है वो पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, दोनों साइड से होना, दोनों साइड, दोनों साइड से होना चाहिए, इस तरफ भी होना चाहिए, उस तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी क्रॉस करते हैं तो उनको, उस तरफ भी आबादी है ना, आबादी है सिद्धि नगर, वही वही है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उधर से या सारे बच्चे इधर आते हैं, तो होना चाहिए, देखिए पब्लिक उधर जाती है सौदा वौदा लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो हिसाब से तो स्पीड ब्रेकर चाहिए चाहिए।